हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे लिस्कैट सॉफ्टवेयर में किस तरीके से एक आपके पास अगर कोई 3D पॉलीलाइन है तो उसको प्रोफाइल किस तरीके से बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एक 3D पॉली जो है वो मैं DXF में ओपन करके रखा हूँ। आप इसका अगर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ में एक 3D पॉलीलाइन है और साथ ही साथ इसका वर्टेक्स इसमें एलिवेशन भी अवेलेबल है। तो इस फाइल को सबसे पहले मैं एक DXF फाइल में सेव कर लेता हूँ जो मेरा ऑलरेडी DXF फाइल में सेव है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो डेस्कटॉप में मेरा ये DXF फाइल 3D पॉलीलाइन का एक DXF फाइल सेव है। अभी इस फाइल को अगर लिस्कैट में ओपन करके उसका प्रोफाइल बनाऊँ तो किस तरीके से वो प्रोफाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्कैट में मैं फाइल न्यू फाइल बना लेता हूँ। तो इस फाइल का नाम फाइल दे देता हूँ और ओके। तो कोई भी DXF फाइल लिस्कैट में ओपन करने के लिए आपको टास्क, फिर डेटा कन्वर्सेशन और इम्पोर्ट और ऑटोकैड। ऑटोकैड में जाने के बाद आपका जो DXF आप DW फाइल भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास DXF फाइल है, इसको ओपन कर रहा हूँ और इस जगह पे आपको यूनिट 1:1 रखना है और फिर ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो लाइन है इस जगह पे ओपन हो गया है और इस लाइन का जो वर्टेक्स है हर वर्टेक्स में इस पे एलिवेशन है। तो अभी इस लाइन का अगर मुझे प्रोफाइल देखना है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कोई सरफेस का पॉइंट नहीं है, ओनली ये जो 3D पॉली है इसी इसका एलिवेशन के बेस करके मुझे प्रोफाइल बनाना है। तो किस तरीके से बना सकते हैं तो उसके लिए आपको जाना है टास्क और फिर प्रोफाइल डिज़ाइन, उसमें आपको जाना है प्रोफाइल लॉन्ग सेक्शन एंड आपको ऑप्शन लेना है बाई लाइन, अलाइनमेंट नहीं बाई लाइन देना है क्योंकि मेरा ये अलाइनमेंट नहीं है, ये आपका मेरा एक लाइन फीचर से। तो लाइन जाने के बाद आप इस जगह पे आपको सबसे पहले आपका जो लॉन्ग सेक्शन बनेगा उसका नाम देना है। तो मैं इसका नाम भी प्रोफाइल दे देता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद आपका जो जिस लाइन के बेसिस से प्रोफाइल बनेगा उसका आपका लाइन का नंबर देना है। आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, अदरवाइज लाइन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे उसका नंबर यहाँ पे एडिट कर लिया और फिर ये मेरा एक न्यू विंडो में क्रॉस सेक्शन लॉन्ग सेक्शन जनरेट होगा। आप उसके बाद पैरामीटर पे जाना है और पैरामीटर जाने के बाद फिलहाल जैसे देख सकते हैं कि मेरा मॉडल नहीं है, आप यहाँ पे मॉडल चूज नहीं कर सकते, आपको चूज़ करना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप इस जगह पे कलर भी चूज़ कर सकते हैं, आपका जो प्रोफाइल लाइन आएगा उस पर कलर और फिर आप यहाँ पे क्रिएट। तो आपका ये जो प्रोफाइल है ये प्रोफाइल आपका यहाँ पे बन गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एलिवेशन और साथ साथ डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर इस जो प्रोफाइल आया इसको वापस आपको ऑटोकैड में ले जाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आपको इसके लिए जाना है कैड आउटपुट। कैड आउटपुट जाने के बाद आपको तीन ऑप्शन अवेलेबल होता है लिस्कैट से, ऑटोकैड, लिस्कैट एंड माइक्रो स्टेशन। तो ऑटोकैड में लेना है तो ऑटोकैड ऑप्शन के ऊपर आपको हाईलाइट रखना है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी बेसिक सेटिंग्स है, मैं ओनली बेसिक सेटिंग्स में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप बेसिक सेटिंग चेंज करके आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग्स दिखाऊंगा। तो जस्ट मैं सेट क्रॉस सेक्शन पैरामीटर्स में जाता हूँ तो मैं एलिवेशन एंड डिस्टेंस दोनों जो नीचे आएगा ये मैं शो करना चाहता हूँ और इस जगह पे मैं एडिशनल कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ। ओनली मैं सेक्शन मेकर भी नहीं चाहिए, सेक्शन 8 चाहिए और मैं 25 मीटर इंटरवल पे ये जो नीचे एलिवेशन आ रहा है ये मैं दिखाना चाहता हूँ और डिस्टेंस भी दिखाना चाहता हूँ 25 मीटर इंटरवल पे। उसके बाद आप यहाँ पे लेयर भी सेट कर सकते हैं कि जो ये प्रोफाइल लाइन जाएगा ये ऑटोकैड में किस नाम से आएगा। तो मैं इस जगह पे भी प्रोफाइल नाम देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद ओके और फिर गिड लेआउट पे जाता हूँ। तो इस जगह पे गिड लेआउट पे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं PVU के हिसाब से क्या क्या आपको चाहिए। तो मैं मेजर माइनर कुछ भी नहीं चाहता हूँ, ओनली एक बेस में एक लाइन चाहता हूँ। उसके बाद आप डाटा में स्केल में आप यहाँ पे आपका जो डाटा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस एलिवेशन वो रीड कर लिया, सबसे लोएस्ट एलिवेशन क्या है 377, तो वो मैं यहाँ पे 350 एक डाटा देना चाहता हूँ। और इस जगह पे काफ़ी आप प्रीव्यू के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। इस कंडीशन में मैं हाइट लिमिट यहाँ पे 100 दे देता हूँ और बेस शिफ्ट जो फिलहाल एक ही सेक्शन है तो मैं बेस शिफ्ट पे 1 डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल है, हॉरिजॉन्टल स्केल में 1:1000 रखता हूँ और वर्टिकल स्केल में 100 रखता हूँ। इसके बाद इस जगह पे ओके।
आप लाइन का भी लेआउट का भी कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये जो लाइन आएगा ओनली मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ कि मेरा अपर टैप लाइन इस जगह पे कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, ये जो बीच में गैप है ये गैप नहीं रहेगा, डायरेक्टली इसमें आपका लाइन जोड़ जाएगा, मतलब इस जगह इसका जो डिस्टेंस है मैं 0 रख दिया हूँ, मतलब ये टैप लाइन आपका प्रोफाइल लाइन का जो स्पेस के साथ डिटेम लाइन के साथ ये जुड़ जाएगा। और मैं कुछ सेटिंग नहीं करता हूँ, आप इस जगह पे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट टू कैड और कहाँ आपको सेव करना है, आप इस जगह पे आपका भाषण भी चूज कर सकते हैं कि कौन सी भाषण DXF या DWG में आप सेव करना चाहते हैं, और नाम दीजिए उसके बाद ओके। तो ये मेरा प्रोफाइल एक्सपोर्ट हो गया। अगर इस प्रोफाइल को मैं आपका ऑटोकैड में ओपन करके दिखाता हूँ, तो DWG ये प्रोफाइल नाम का आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा प्रोफाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। और ये मेरा 350 का डाटा लाइन है ये, और नीचे मेरा यहाँ पे डिस्टेंस एंड साथ ही साथ इसका एलिवेशन भी यहाँ पे आ गया है। जैसे 25 मीटर इंटरवल पर मैं ये इंटरवल दिया था, इसीलिए 25 मीटर इंटरवल पे ये मेरा ये एलिवेशन एंड डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से वेरी इजी वे में लिस्केट में आपका जो 3D पॉलीलाइन है उसका आप प्रोफाइल बना सकते हैं। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहेगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।